कांग्रेस को इन छोटे नेताओं पर रोक लगाना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को अगर हटाना है तो सभी विपक्ष के लोगों को इकट्ठा करके इंडिया गठबंधन को मजबूत करना चाहिए और फिर जो मध्य प्रदेश में जो वादा किया था उस पर अडिग रहना चाहिए था। कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, सीनियर नेता हैं, इनको सबको मिला के चलना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी को भी मिलाना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के लोगों को झूठे मुकदमे लगा करके विपक्ष को खत्म करना चाहती है। देखिए आज हम खां के साथ इसी तरीके से झूठे मुकदमे लिखा लिखा करके उनका उत्पीड़न किया जा रहा है और हम समाजवादी पार्टी के लोग आजम खान साहब के साथ हैं और इस लड़ाई को अब हम समाजवादी पार्टी के लोग लड़ेंगे और पूरी तरह से संघर्ष करना पड़ेगा, कुछ भी करना पड़ेगा, आजम खान का साथ देंगे। तो झूठे मुकदमे तो लिखाए जा रहे हैं, अब झूठे मुकदमे लिखा लिखा करके जो तो उत्पीड़न है और इस तरीके से पूरे विपक्ष का उत्पीड़न भारतीय जनता पार्टी करा रही है। अजय राय जी का आज ध्यान आया है, उन्होंने ये कहा है कि यूपी में इंडिया गठबंधन रहेगा या टूटेगा, ये अब अखिलेश के हाथ में है। देखिए कांग्रेस को इन छोटे नेताओं पर रोक लगाना चाहिए। अगर इंडिया गठबंधन को मजबूत करना है और भारतीय जनता पार्टी को अगर हटाना है तो सभी विपक्ष के लोगों को इकट्ठा करके इंडिया गठबंधन को मजबूत करना चाहिए और तभी भारतीय जनता पार्टी हट सकती है। अगर भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस को हटाना है तो फिर सबको इकट्ठा करें और फिर जो मध्य प्रदेश में जो वादा किया था उस पर अडिग रहना चाहिए था, तो तभी इंडिया गठबंधन मजबूत होगा और तभी भारतीय जनता पार्टी को हटाया जा सकता है। सर मध्य प्रदेश की बात करें, वहां आज उनसे जो है कमलनाथ जी से एक सवाल किया गया अखिलेश जी के बारे में, तो उनकी बड़ी अजीबोगरीब टोन थी। वो बोले अरे यार छोड़ो अखिलेश अखिलेश। देखिए अब जो मैंने कहा है कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, सीनियर नेता हैं, इनको सबको मिला के चलना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी को भी मिलाना पड़ेगा और बिना समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस हटा नहीं सकती। अजय राय जी ने तो आज यहाँ तक कह दिया कि जो अपने पिता का सम्मान नहीं कर सका वो हमारे जैसे लोगों का क्या सम्मान। अरे ये बातें हम मत दोहराइए, कांग्रेस के बारे में मैं यही कांग्रेस के नेताओं से कहना चाहते हैं कि अगर इंडिया को संगठन को मजबूत करना है तो सभी दलों को मिलाएं, अगर भारतीय जनता पार्टी को हटाना है तो सभी को मिलाना पड़ेगा और नहीं तो फिर भारतीय जनता पार्टी फिर आ जाएगी। कैसे कैसे इसका जो है अरे हल निकलेगा और निकालना चाहिए नेताओं को, सीनियर लीडर को, सभी को निकालना चाहिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।